हमें मिला है यहाँ पे एक चाओ चाओ, और जो काफी ज्यादा इसकी जो टीथ है काफी ज्यादा रेयर है। क्यों भैया? इनके जीव नीली रह रही है। ओके, ये सभी इनके बच्चे ही हैं। अच्छा, ये इसके बच्चे हैं? सभी इसके बच्चे। तो गाइस इसका रिजल्ट भी आप चेक कर लो, ये सारे इनके रिजल्ट मान लो आप। ठीक है, रिजल्ट है प्रोड्यूस है इस लोगों का। ओके, अंदर कोट आएगा तो ये असली होते हैं। देखो कितने क्यूट लग रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो हमें मिली है सबसे अलग ब्रीड यहाँ पे जो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। क्या नाम है भैया इस ब्रीड का? इंग्लिश शॉर्ट है। सबसे छोटा कुत्ता? क्यों अंकल जी, इसे सबसे छोटा बोल सकते हैं? सबसे छोटा वर्ल्ड का? वर्ल्ड का सबसे छोटा कुत्ता भाई, मैं सीरियसली पहली बार देख रहा हूँ। क्या बच्चे ले चुकी है? अच्छा, बेबी भी ले चुकी है। What's up everybody? कैसे हो सारे? ऊपर तो सारे अच्छे हो। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है हमारा टॉक शो के ऊपर, जैसा कि आप टाइटल थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनी है। जैसा कि आपने लोग मेरे को कमेंट्स करके बता रहे थे कि भाई टॉक शो के ऊपर एक वीडियो बनाओ, तो तुम्हारे भाई को जैसे ही पता चला कि पंजाब के अंदर टॉक शो है तो तुम्हारा भाई आ गया है टॉक शो में। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, काफी ज्यादा अच्छी वीडियो है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चलते हैं अभी डॉग शो में। तो गाइस मैंने एंट्री ले ली है यहाँ पे डॉग शो में। मेरे पीछे आप देखो कितने सारे डॉग्स हैं। अभी मैं जाके कवर करूंगा एक एक को। हमें यहाँ पे मिले हैं पवेलियन के कुछ पपीज। तो भैया दिखाना क्या क्वालिटीज होती है भैया इनकी। प्राइसिंग क्या होती है भैया इनकी? वैसे 4000 रुपए क्वालिटी के हिसाब से प्राइस होते हैं। ओके, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है। ओके, तो इसमें क्या फर्क है इन दोनों में? ये इंग्लिश स्पिट फीमेल है। ओके ओके, 45 डे की। ओके ठीक है, तो मतलब इनके रफ पे डिपेंड करता है इनकी क्वालिटी। ओके, इनको मतलब जज करने की यही क्वालिटी है ना वैसे? हाँ। ओके, वैसे आप मेल दिखा देना, एक मेल का क्या पड़ेगा भाई? ये कल्चर पम्प मेल है। ओके, ये मेल है। आप गाइस इसके रफ देख सकते हो गाइस, सर्वाइव करते हैं ये, तो कोई भी ले सकता है, इन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनकी फीडिंग वगैरह क्या होती है वैसे भैया? फीडिंग वगैरह क्या खाने में लेते हैं ये? फीड तो वो नॉर्मल होती है, नॉर्मल फीड होती है, कोई हाई फाई नहीं है। ओके, तो इसका आपने फीमेल के प्राइस बताए थे, मेल के क्या प्राइस होने वाले हैं? कल्चर मॉम मेल 12000। ओके, 12000 रुपए का। ओके, ये पमेरियन है। ओके, ये 3500। 3500 6500। ओके, तो बासे में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो किसी को कॉन्टेक्ट करना हो तो ये इनका है व्हाट्सअप नंबर, सारी डिटेल्स है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो वीडियो को रोक के। तो भैया चैनल कर देना सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं आगे। वैसे हमें अभी मिले हैं लेब्रा के कुछ पपीज। तो भैया क्या इनका नाम वगैरह है? अभी तो छोटे छोटे, नाम डिसाइड नहीं किया है। ओके, तो भैया क्या प्राइस पड़ते हैं फीमेल के? फीमेल 7000। फीमेल के 7? ओके, और मेल कितने का पड़ेगा? 10000 रुपये का। तो क्वालिटी कैसी होगी? एकदम उमदा, पूरी टॉप क्वालिटी होगी, टॉप क्वालिटी होगी। तो भाई आप देख सकते हो ये पूरा ब्लैक है, प्रॉपर ब्लैक में है, और ये वाइट है। ये मेल है कि फीमेल है? ये मेल है। ओके, तो गाइस जैसे कि भैया इसे ये बता दो कि इन्हें क्वालिटी इसकी कैसे जज की जाती है? कैसे क्वालिटी कैसे जज करी जाती है, मतलब ये क्वालिटी अच्छी है तो कैसे पहचाने इसे हम? फेस से। अच्छा, फेस से इसका बॉडी स्ट्रक्चर बता देगा, फेस बता देगा। ओके, इनकी फीड वगैरह क्या होती है भैया? वैसे खाने में क्या देते हो आप? अच्छा जी, तो इसकी सारी डाइट वगैरह तो आप बता दोगे। किसी को अगर आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो एक नंबर 7258-2599। ओके, तो गाइस आप इस को वीडियो को रिपीट करके भी सुन सकते हो। तो भैया मिल जाएंगे, वीडियो कॉल करेंगे भाई, सूरज चौहान का नाम बताएंगे तो डिस्काउंट दे देना एक छोटा सा। ठीक है जी। अभी हमें मिले हैं टॉय पम्प। तो भैया इसका क्या क्वालिटी है इसकी? ओ भाई ये वाला कितना क्यूट लग रहा है। तो भैया इसका नाम क्या है पहले आप ये बताओ? इसका नाम कैटी है जी। कैटी, इसका नाम? इसका नाम ब्लॉसम है जी। ओके, तो गाइस अगर किसी को ये प्राइस अगर क्या पड़ते हैं अगर किसी को लेना हो तो? सर जब प्योरिटी में जाओगे तो 30-80 तक है जी रेट। अच्छा, प्योरिटी में चाहिए तो ये असली होते हैं। तो भैया इसने ये बताओ कि इन्हें इनकी क्वालिटी कैसे देखी जाती है? क्वालिटी सर इसकी मजल से देखा जाता है, इनर कोट वगैरह से देखा जाता है। अच्छा, ये कोट वगैरह हाथ लगाए थे तो आए इनर कोट होता जैसे। ओके, इसकी स्किन नहीं दिखाई देती। अच्छा, स्किन नहीं दिखाई पड़ेगी तो गाइस इनर कोट आएगा। तो ये असली होते हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं गाइस। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो। भैया अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे तो कोई नंबर वगैरह है? सर लिख लो नंबर, भारद्वाज चैनल से जी, हम भारद्वाज चैनल। हाँ जी। तो गाइस आप इनको फेसबुक वगैरह पे भी मिल जाओगे ना आप वैसे? हाँ जी, हाँ जी। तो फेसबुक वगैरह पे भी जाके आप इन्हें सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। काफी ज्यादा अच्छी मेरे को इनकी ब्रीड लग रही है, काफी टॉप क्वालिटी बोल सकता हूँ मैं इसे, क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं देखी है कहीं पे भी। तो भैया एक बार अपना नंबर और बता दो। मेरा नंबर 8427090362। ओके, तो भाई कभी भी कॉल कर सकते हैं। कॉल टाइमिंग क्या रहेगी भैया? एनी टाइम करो, व्हाट्सअप कर देंगे, व्हाट्सअप हो जाएगा ना। तो वैसे भैया से आप बात भी कर सकते हो, काफी अच्छी ब्रीड है। तो भैया का भी दे दो 9815764741। ओके, तो गाइस आप इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर व्हाट्सअप कर देना बिजी हो भैया। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। हमें मिला है यहाँ पे एक चाओ चाओ, और जो काफी ज्यादा इसकी जो टीथ है काफी ज्यादा रेयर है। क्यों भैया? इनकी जीव नीली रहती है। जीव नीली है ये इनकी, इनको इनको सबसे अलग बनाती है। तो भैया अगर ये बताओ कि अगर इसका बेबी चाहिए तो क्या प्राइस पड़ेगा इनका? ये बेबी था ये 55000। 55000। ओके, ये मेल है। ओके, ये मेल है। और ये मदुरई, ये इसकी माँ है। तो गाइस ये साथ में यहाँ पे अपना मेला सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों भैया?
अगर पपी पे नहीं पपी है या मेल फीमेल ओके तो ये विदाउट एसी तो रह नहीं पाते मेरे हिसाब से, तो विदाउट एसी नहीं रह पाते, तो इन्हें एसी वेसी का फुल एकदम वीआईपी से रहते हैं ये। तो ये किसी को अगर चाहिए हो तो क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह कोई 9995926 4 ओके। तो गाइस आप ये इनका नंबर है तो बहुत इजीली आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके तो गाइस अगर मेरे चैनल के थ्रू आते हो तो सूरज चौहान मेरे चैनल का नाम है, तो छोटा सा बार्गेनिंग भी कर लेंगे क्यों भैया। ओके थैंक यू भैया। गाइस दिखाते हैं आपको सेकंड डॉग भैया, इसका क्या नाम होने वाला है? इसका पेंटर। पेंटर कौन सी ब्रीड है भैया? कौन सी ब्रीड है? पेंटर मेल। पेंटर मेल ओके। क्या प्राइस होते हैं भैया इसके? इसका 15,000। 15,000 रुपए अगर मेल चाहिए तो? मेल 15। और फीमेल? फीमेल 6,500 या 7,000। ओके तो गाइस इनके पास ये पपीज भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद भैया ये ब्राउन ब्राउन सा है, इसका क्या नाम है? ये लेब्रा है। लेब्रा है ओके। तो लेब्रा भी आपको यहाँ पे चॉकलेटी लेब्रा, चॉकलेटी लेब्रा काफी ज्यादा रेयर मिलता है, तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके तो भैया कितने दिन का है वैसे ये? ये 3 मंथ। 3 मंथ्स का है ओके। क्या प्राइस होंगे भैया इसके? इसका 12,000। 12,000 रुपये फीमेल के? हाँ फीमेल ही है। ये फीमेल है। मेल अगर किसी को चाहिए लेबरा तो कितने का पड़ेगा? मेल फिर भी कितने प्राइस पड़ेंगे? 15-16,000। ओके तो भैया अगर किसी को चाहिए तो अपना एक बार विजिटिंग कार्ड दिखा दीजिए। तो ये है भैया का विजिटिंग कार्ड, वीडियो को स्क्रीन रोक के आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अभी यहाँ पे दिखा है सबसे छोटा कुत्ता, क्यों अंकल जी इसे सबसे छोटा बोल सकते हैं? सबसे छोटा वर्ल्ड का, वर्ल्ड का सबसे छोटा कुत्ता। भाई मैं सीरियसली पहली बार देख रहा हूँ। क्या बच्चे दे चुकी है? अच्छा बेबी भी दे चुकी है। ओके तो क्या नाम है भैया इसका? चीची नाम है। बिल्कुल अपने साइज के हिसाब से नाम भी है इसका, ठीक है। अगर किसी को ये इसके पपीज वगैरह चाहिए या क्या प्राइसिंग आती है इसकी इंडिया में? 35-40,000 रुपए बहुत अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। ओके तो गाइस आप देख सकते हो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है यार। तो अंकल जी ये बताओ इसकी क्वालिटी कैसे जज की जाती है, क्वालिटी जज के बारे में? फेस छोटा होना चाहिए। ओके 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 तो गाइस देख सकते हो छोटा है यार, ज्यादा क्यूट है। गाइस आप इसे ले सकते हो, काफी लोग लेते हैं इसे, इंडिया में काफी ज्यादा रेयर मिलता है, क्यों अंकल जी? बहुत कम मिलता है अंकल जी, बहुत ज्यादा भाग्यशाली है जो इनके यहाँ पे है। तो कॉन्टेक्ट नंबर भैया आप बताना एक बार। 9815908771। ओके तो आप इन्हें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से इजीली आपको मिल जाएंगे। तो गाइस हमें मिला है हस्की और इसकी देखो ऑड आईज है, देखो आप कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो भैया इसकी आईज के बारे में बताओ आप। आईज सर इसकी एक ब्लू प्लस ब्राउन है। ओके ऑड आईज है। और ये नाम क्या है इसका भैया वैसे? ऑस्कर। ऑस्कर 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 ओके तो ऑस्कर नाम है इसका। तो भैया अगर किसी को पपीज वगैरह चाहिए ऑस्कर के तो मिल जाएंगे? जी जी मिल जाएंगे। ओके तो ऑस्कर के पपीज का नाम होगा मेडल, तो वो भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। क्या प्राइस रहेगा यहाँ पे भैया? ऑड आईज का सर वो 27-28,000 मिल रहा है। 27-28,000 ओके। और क्वालिटी के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो फीमेल कितने की पड़ेगी वैसे? फीमेल कोई 25-26 भाई। 25-26 तो भाई आप सब चीज के लिए कांटेक्ट कर सकते हो भैया। वैसे आपका नंबर वगैरह कोई? 8427557220। ओके तो गाइस आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। और हस्की काफी ज्यादा सुपर लग रहा है, मैं कुछ आईज देखो यार उम्दा। तो गाइस अब ये हमारा तिब्बती मास्टिफ। तो भैया क्या नाम है भैया इसका वैसे? मिलियन। क्या नाम है? मिलियन। मिलियन ओके। तो गाइस आप इसका सबसे ज्यादा बड़ा इंडिया के अंदर वर्ल्ड के अंदर यही डॉग होता है ना भैया? तो भैया इसके कितनी एज है अभी इसकी? 11 मंथ का है। ओके इसकी फीड वगैरह क्या होती है भैया वैसे? फीडिंग वगैरह खाने में क्या लेते हैं? कुछ खास नहीं, फीड रोटी दही लस्सी। तो वैसे इन्हें एसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, एसी में रखना ऐसा कोई बात नहीं है, तो ये कैसे भी सरवाइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी ज्यादा चौंक रहा है ये। ओके तो भैया क्या प्राइस पड़ेंगे मेल के? क्या जी? 16। ओके ये एसी के पपी है क्या? तो भैया यहाँ पे देखो इसी के पपी है। फीमेल चाहिए तो कितने के पड़ेंगे? 10,000। कितने? 10,000। तो गाइस अगर भैया किसी को कांटेक्ट करना हो तो नंबर वगैरह? 9478660949। ओके तो गाइस कर सकते हो कांटेक्ट बहुत ज्यादा इजीली। तो गाइस देख सकते हो इसका हेड कैसा लग रहा है, ऑसम लग रहा है एकदम। गाइस हमें दिखे यहाँ पे फ्रेंच बुलडॉग्स के पपी। तो भैया क्या प्राइस रहता है इनका? फ्रेंच बुलडॉग जो व्हाइट कलर का और क्रीम कलर का बच्चे वो 25 का सेल करते हैं हम। 25 का? ओके अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का है हमारे पास। स्टड पड़ा है ऑस्कर, वो इंपोर्ट का बच्चा है वो। ओके उसके स्टड के बच्चे हैं जी। ओके तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। ये देखो ये व्हाइट वाला भी काफी क्यूट है, उसके बाद ये भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, और उसके बाद ये नीचे एक पग है। नीचे पग है जी। ओके
ये क्या है, मेल है फीमेल है? ये सर मेल है और 11 मंथ का है जी। ओके, इसके पपीज भी अवेलेबल हो जाएंगे, अगर किसी को पप चाहिए तो वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसके पग के पग और फ्रेंच बुलडॉग में हम काम करते हैं। ओके ओके, ज्यादातर पग के पपी और फ्रेंच बुलडॉग के जब मर्जी ले लो तब अवेलेबल होंगे। ओके ओके, तो प्राइस वगैरह आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हो। प्राइस डिपेंड्स ऑन क्वालिटी होता है। वैसे नॉर्मल जो ब्लैक कलर का पग है वो अबाउट 12,000 से 14,000 तक हो जाता है। फॉन कलर का भी 11,000 से 12,000 तक हो जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर के लिए यहाँ पे आप ये नंबर है इनके, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। मैं बोल कर बता देता हूँ 9914695444। ओके, तो भाई आप बहुत इजी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। हमें दिखे हैं यहाँ पे कुछ अमेरिकन बुलीस, तो ये क्या नाम होने वाला है इसका? एसिड। ओके, वैसे आपके उसका नाम क्या है कैनल का? डैकर कैनल। तो गाइस देख भी सकते हो डैकर लग भी रहे हैं कुछ कुछ। तो भैया क्या प्राइस वगैरह होते हैं अगर एक किसी को पपी चाहिए हो तो? 70,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, 1,50,000। ओके, तो सारे के सारे एक्सपेंसिव ब्रीड में आप डील करते हो? ओके, तो कोई चीपेस्ट नहीं है, तो आप देख सकते हो क्वालिटी, आप देख सकते हो काफी ज्यादा सुपर्ब है। तो भैया इनकी क्वालिटी कैसे जज की जाती है आप बता सकते हो? क्वालिटी के बारे में कैसे देखते हैं? ये देख लो क्वालिटी इनकी, आपने जज करनी है। ये फादर इनका है। ओके, ये सभी इनके बच्चे ही हैं। अच्छा, ये इसके बच्चे हैं? सभी इसके बच्चे। तो गाइस इसका रिजल्ट भी आप चेक देखते हो, ये सारे इनके रिजल्ट मान लो आप, ठीक है? रिजल्ट है प्रोड्यूस है इस डॉग का। ओके, अगर फीमेल चाहिए हो तो क्या प्राइस बढ़ेगा भैया? फीमेल चाहिए हो तो फीमेल सर स्टार्टिंग हुए तो 1,00,000 से लेकर 1.5 लाख। अच्छा, फीमेल का। और मेल का क्या पड़ता है? सेम प्राइस होता है। सेम प्राइस होता है। और क्वालिटी देखो गाइस आप, उमदा क्वालिटी, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, हटके एकदम। तो भैया वैसे आपका नाम क्या था? मेरा मनजीत सिंह डिम्पी, डैकर कैनल से। ओके, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर भी आ रहा है, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हर जगह। तो भैया हमें मिली है सबसे अलग ब्रीड यहाँ पे, जो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। ओहो हो, क्या नाम है भैया इस ब्रीड का? इंग्लिश बुल टेरियर। इंग्लिश बुल टेरियर। ओके, तो इसके पपीज वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं इंडिया में? ओके, इंडिया में काफी ज्यादा रेयर देखने को मिलती है, क्यों भैया? भैया वैसे आपका नाम? सनी मंडल। इसके अगर किसी को पप्स चाहिए तो क्या प्राइस रहता है इसका? इसका जो इसका क्वालिटी का है ये 50,000 का। ये 50,000 का ये पप्स पड़ेगा अगर इसकी किसी को क्वालिटी चाहिए या इसकी किसी को बेबी चाहिए। ओके, और इसकी फीमेल कितने की पड़ेगी? वो आपको 40 की मिल जाएगी। 40 की मिल जाएगी। अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना हो आपसे तो कोई कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए 888। ओके, 535-535-111-111। तो गाइस आप इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो भैया से। भैया थैंक यू, और काफी यूनिक ब्रीड दिखाने के लिए धन्यवाद। ओके, तो गाइस ये है मीडियम जर्मन शेफर्ड। तो भैया इसके अगर किसी को पप्स चाहिए तो क्या प्राइस रहता है भैया उनका? 26,000 रुपये मेल के होंगे। और फीमेल का क्या प्राइस रहता है? 10,000 से 12,000 रुपये। ओके, तो गाइस अगर आप किसी को लेना हो तो कॉन्टेक्ट करना हो तो नंबर भैया 8437433। ओके, तो भैया कौन कौन से डॉग्स आपके पास अवेलेबल हैं अभी? अमेरिकन पॉकेट साइज। ओके, ये कौन से हैं? माइक्रो है। ओके, वो माइक्रो है, ये पॉकेट साइज है। ये पॉकेट साइज है एंड ये माइक्रो है। तो इनमें क्या अंतर होता है भैया वैसे, डिफरेंस क्या होता है इनमें? डिफरेंस ये है भाई, ये 10 इंच होती है इसकी लेंथ। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 इंच। ओके, इनकी 15 इंच। ओके, तो क्या प्राइस पड़ेंगे इसका? क्या प्राइस पड़ेगा इसका? 45,000 मेल का पड़ेगा। और इसमें क्या पड़ेगा भैया? 25,000। ओके, किसी को अगर इसकी क्वालिटी जज करनी है तो क्या करना पड़ता है, मतलब क्या देखना पड़ता है इनमें? अगर फेस, हेड साइज। फेस, हेड साइज देखो, बोन साइज। तो गाइस बहुत ज्यादा हैवी पपीज लग रहा है मेरे को तो एकदम। बोन साइज चेक कर लो, कितने दिन का है वैसे ये? ये हो गया 2.5 महीने का। 2.5 महीने का पपीज है, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा हेल्थी है और काफी ज्यादा एक्टिव भी है। ओके भैया, वैसे आपका नाम? सौरभ। ओके, थैंक यू भैया, अगर अपना नंबर बता देना 9814900640। ओके, तो गाइस अमेरिकन बुली के पप्स अगर किसी को भी चाहिए, कोई सी भी क्वालिटी में, कोई सी भी पॉकेट साइज, डबल एक्सएल, माइक्रो साइज, कोई भी चाहिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। ओके, थैंक यू भैया। तो गाइस हमें मिले हैं कुछ यहाँ पे और पप्स। भैया आपका नाम क्या है वैसे? लवदीप सिंह। ओके, तो गाइस यहाँ पे अब ये इस ब्रीड का नाम क्या है भैया वैसे? टॉय पॉम है। तो गाइस इसका एक बार चेहरा देखिए क्या लग रहा है भाई, सुपर्ब लग रहा है। और भैया आपका नाम क्या है वैसे? बंटी वर्मा। वैसे आपके टैटू बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक बार दिखाना पब्लिक को। वाओ, सुपर्ब, थैंक यू, बहुत अच्छे लग रहे हैं सीरियसली। ये टॉय पॉम है। ओके, तो क्या इसके बेबीज क्या प्राइस होंगे भैया? इसका 25,000 का मेल मिल जाता है, 20,000 की फीमेल मिल जाती है। 25,000 का मेल, 20,000 की फीमेल मिल जाती है। तो कम से कम कितने देर का पपीज लेना चाहिए इनका? इसका 40 से प्लस लेना चाहिए। 40 से प्लस लेना चाहिए। तो इसका ये पप्स है, हाँ जी। कितने दिन का ये? ये 42 डे का है। 42 डे का, कितना छोटा सा लग रहा है एक बार दिखाने से, बहुत छोटा यार, हाथ में आ गया मेरे, क्या चीज है यार। ऐसे ऐसे डॉग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपको ये भी अवेलेबल हो जाएगा किसी को चाहिए हो तो, हाँ जी। और ये बहुत ज्यादा टॉय ब्रीड मानी जाती है, क्यों भैया? हाँ जी, और ये एसी में ही सर्वाइव कर पाती है आई थिंक। हाँ जी, एसी में ही रह पाती है, मतलब विदाउट एसी नहीं रह पाती ना, थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी शायद से। नहीं नहीं नहीं, रह जाती वैसे भी, रह जाती है। तो आदत डालने के ऊपर है जैसा आप डालते। तो ऐसे ये देखो कितना क्यूट लग रहा है यार मेरे हाथों में,
तो भैया तो आपके पास काफी ज्यादा और डॉग्स हैं। हस्की जैसे ये कितने का पड़ेगा? 35,000 का पड़ेगा। इसकी आईज काफी ज्यादा यूनिक लग रही है। डबल कोट है या सिंगल कोट है? ये डबल कोट है। ओके तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये पपीज भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे। तो गाइस हमें यहाँ पे मिला है एक अजीब सा डॉग। भाई काटता तो नहीं है ना ये? तो कुछ कार की तरह है। तो भाई इसका ब्रीड का नाम तो मुझे भी नहीं पता है और इसका जो ओनर है भाई वो यहाँ पे है नहीं, तो हमने सोचा हम ही दिखा देने। तो आप डॉग शो में आओगे तो आपको ये भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। क्यों भाई ये विनर विनर है क्या? यहाँ पे ये जीता है इन्होंने? अच्छा हमें यहाँ पे दिखा है अमेरिकन पिटबुल। भैया आपका कैसे क्या नाम है? मेरा नाम गुरी। ओके तो गाइस अगर भैया किसी को इसके पपीज चाहिए तो अवेलेबल हो जाएंगे? हाँ टाइम टू टाइम लेते हैं। टाइम टू टाइम। ओके तो भैया अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे तो क्या कैसे कांटेक्ट करें? नंबर 8728825235। ओके तो गाइस ये भैया का नंबर है, आप डिटेल मतलब दे सकते हो। अगर किसी का इसका फीमेल चाहिए तो क्या प्राइस पड़ेंगे भैया? फीमेल 20,000 का। ओके वैसे इसकी एज क्या है भैया? 40 है। और ये क्या है? नहीं, ये फोर ईयर्स ओनली। ओके और ये फीमेल है? हाँ जी फीमेल। ओके ये थोड़ी सी छोटी लग रही है, इसकी क्या एज होगी? डॉटर है। इसकी डॉटर है। ओके तो काफी पुराना रिश्ता है भैया जैसे बता रहे हैं। ठीक है तो भैया से कांटेक्ट करने के लिए तो आप काफी अच्छी ब्रीड लग रही है भैया। वैसे इनकी क्वालिटी को पहचानने के लिए कैसे देखते हैं? बॉडी स्ट्रक्चर एंड बोन साइज देखते हैं और हेड भी देखते हैं सब। आप हेड दिखाना एक बार इसका, काफी ज्यादा सुपर्ब लग रहा है हेड। काटते तो नहीं है ना वैसे? ओके तो गाइस काफी ज्यादा दमदार लग रहे हैं गाइस जैसा आप देख सकते हो। भाई सा फेस इधर करना थोड़ा सा, पर काटे ना ठीक है, इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो इसका फेस काफी ज्यादा सुपर्ब लग रहा है। ओके वैसे नाम क्या भैया इसका? नाम क्या भैया? बैला। ओके तो लैला बोले तो बैला ठीक है। अभी हमें मिली है पाकिस्तानी बुली। तो भैया इसका क्या नाम है? सुल्तान है इसका नाम। ओ हो सुल्तान मिल गया गाइस दादा जमें। ठीक है तो सुल्तान भी जिंदा है जैसे टाइगर जिंदा है। तो भैया इसका इसके अगर बेबीज वगैरह चाहिए किसी को तो कितने के पड़ते हैं भैया? भैया क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से पड़ते हैं सारे। वैसे भी एक बेसिकली एक छोटा सा प्राइस क्या होगा? 20 से 25,000 रुपए पड़ते हैं। ओके 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 तो गाइस आप देख सकते हो इसको। भैया जैसे इनकी क्वालिटी कैसे जज करी जाती है, मतलब इनकी क्वालिटी कैसे पहचानी जाती है? आंखों से। ओके वैसे कितना ऊंचा होगा ये? कितना ऊंचा होगा? 33 प्लस। ओके और काफी ज्यादा पढ़ा लिखा भी है। तो गाइस इसे हैंडशेक भी कर लेते हैं भैया, कराना एक बार। हाँ तीना रख ले, नाराज हो गया लग रहा है। अरे दे दे भाई, बेइज्जती हो जाएगी अब तो। क्या बात है क्या बात है, काफी ज्यादा सुपर है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये भी अवेलेबल हो जाएगा। तो भैया अगर किसी को आपसे कॉन्टेक्ट करना हो तो नंबर 8360 ओके। तो गाइस आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हो। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। इधर आओ इधर, सूरज चौहान को सब्सक्राइब कर देना भाई ठीक है? ओके ठीक है भाई। ये कौन है? आदित्य से हाथ मिला लो भाई, हाथ मिलाना भाई। दिख रहा है तुम्हें? और भाई मोटू लड़के हैवी ड्राइवर भाई, नाच देना थोड़ा, नाच दो यार मजा आ जाएगा। दोनों नाच दो, दोनों भाई दोनों नाच दो, मजा बन जाएगा भाई। हाँ हाँ भयंकर, जाओ समोसे खाओ जाके।